आज यहाँ पे आप फैशन शो में आए, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली फेस न्यूज़ को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से वो हर इवेंट को इतने अच्छे से कवर करते हैं और दिल्ली NCR के कोने कोने पर उनकी जो रीच है बहुत अच्छे से है, और जहाँ पे भी जाता हूँ मैं फेस न्यूज़ के कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंट को ज़रूर देखता हूँ, सो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो सर ये तो आपके लिए प्यार है कि हम आपके पास, हम जब भी आप आते हैं हम आपके पास इंटरव्यू लेने ज़रूर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आप प्लीज़ RJ की अपने दो लाइन्स बोलेंगे। ज़रूर। आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, इश्क हम दोनों की ज़रूरत है चलो इश्क करें। थैंक यू सो मच सर। बंदी की वजह से आपको क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? नोट बंदी की वजह से तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, बल्कि ये प्रोग्राम मेरा 10 नवंबर का था, तो नोट बंदी के चक्कर के अंदर मैंने इसको 22 दिसंबर का किया, क्योंकि 8 तारीख को नोट बंद और 9 तारीख को सारे बैंक और ATMs बंद, 10 तारीख को पूरी दुनिया, पूरा इंडिया बैंक की लाइन में लगा था, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर कौन आता, इसलिए मजबूरन मुझे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा 22 दिसंबर के लिए। और मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, जैसा उस टाइम पर होता इवेंट ऐसा ही आज भी हुआ है। मेरा फैशन शो में पार्ट लिया था, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये पहला शो है और मुझे थोड़ी नर्वसमेंट भी हो रही है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम एक्साइटेड। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मैं ये शो जीत के जाऊँगा और आगे इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी शो जीतूँगा और बहुत आगे तक जाऊँगा। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं, अब इंशाल्लाह आगे आगे देखेंगे और मुकाम हासिल करेंगे। तो आप इस पहली बार कर रहे हैं पार्टिसिपेट? मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, मगर मैं जीत के ही जाऊँगा, मुझे पता है मैं जीत के ही जाऊँगा, ये सारे पीछे ही रह जाएंगे मेरे। तो अगर ये जीत जाते हैं तो इसके बाद आपके क्या प्लान? मैं इसके बाद में अपने करियर बनाना चाहता हूँ, एक्टिंग में, एक्टिंग में जाना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका फर्स्ट शो था? मेरा फोर्थ शो है। तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, तो काफ़ी क्या प्लान्स हैं आप? मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा फोर्थ शो है, ये फर्स्ट शो पर दिल्ली में है, मेरा 3 शो मेरे आगरा में करे थे। तो आपके आगे प्लान्स इसके बाद? अभी कम एक्टर। तो आज आपको अपना परफॉर्मेंस करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत मज़ा आया, फुल इन्जॉय। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आप? आगे भी ट्राई करेंगे। आपका क्या नाम? भूमिका दर्शन। आपका पापा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, ऐसा लगा माय ड्रीम्स कम ट्रू एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी में ड्रीम कंप्लीट हो गया या अभी जीतना भी है? अभी जीतना भी है, बॉलीवुड तक जाना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। थैंक यू। आपका क्या नाम है? ओके, श्रद्धा पाल। आपको यहाँ पे परफॉर्म करके कैसा लगा? फीलिंग गुड, बिकॉज जो हमारे कपिल पंजाबी जो हमारे ट्रेन है, उन्होंने काफ़ी सबको अच्छा ट्रेन किया है, सो सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके इसके बाद? हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? वांट टू बिकम अ सुपर मॉडल। थैंक यू। आपकी परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं इस तरह के शोज़ में काम करती रहती हूँ और मैं आगे भी करूँगी। तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसा लगा, मतलब आपको लगता है कि आप जीत जाओगे इजीली? आई विश, कंपटीशन है बट आई ट्राई माय बेस्ट, बाकी आगे देखते हैं, गॉड नोस। कांग्रेचुलेशंस। आपका क्या नाम? माय नेम इज़ अंजलि उपाध्याय। आपको कैसा लगा यहाँ परफॉर्म कर? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी मिला है, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इसमें फर्स्ट टाइम। तो आपको क्या, फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या आपका रिजल्ट क्या होगा? देखो, अगर मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल होता है तो मैं इसे आगे रखूँगी, जारी रखूँगी। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा मुकाम हासिल हो, मुझे सक्सेसफुल मॉडल बन जाऊँ, तो फिर मैं एक्टिंग लाइन में भी ट्राई करूँ। मुझे फ्रेंकली बहुत अच्छा लग रहा है और कोरियोग्राफी मेरा वर्क है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कोरियोग्राफी में, कि मैं नए नए मॉडल्स को बना सकूँ, अपने जैसा बना सकूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर आज मैं पहुँच चुका हूँ वो भी उस प्लेटफॉर्म पहुँच के अपना नाम कमाए इस छोटी सी उम्र में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए आपने इस सब? मैंने ये फेस किया, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं था कि मॉडल लाइन अच्छी नहीं होती है, पर मैं इस मैसेज, इन वीडियो के थ्रू मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि कोई भी लाइन गंदी नहीं होती, अगर दिल आपका अच्छा है और मेहनत करोगे तो हर लाइन अच्छी है। तो क्या आपको हमारा सपोर्ट रहेगा ऑब्वियसली। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके, और भी शोज ऑर्गेनाइज करवाने हैं आपको? मैं आगरा में वैसे प्रोफेशनली अपने खुद के इवेंट्स भी कराता हूँ, कोरियोग्राफ भी करता हूँ और महीने में एटलीस्ट 3 या 4 इवेंट में करा ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच।